यानी कुछ नेशंस ऐसे हैं, नेशंस क्या हैं, मैं उन्हें इररेस्पॉन्सिबल नेशन कहना चाहूंगा, जो अपने नैरो पार्टीजन इंटरेस्ट के लिए हेगेमोनिक टेंडेंसी से इन इंटरनेशनल लॉज की आए दिन नई नई अनुचित व्याख्याएं करते रहते हैं। एमडीएसएल द्वारा निर्मित आईएनएस विशाखापट्टनम की सफलतापूर्वक कमिश्निंग हो रही है, इसमें कहीं संदेह नहीं रह जाता है कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को भी साकार करेंगे। इंडो पैसिफिक, जहां से पूरी दुनिया भर के दो तिहाई से अधिक ऑयल शिपमेंट होता है, एक तिहाई बल्क कार्गो और आधे से अधिक कंटेनर ट्रैफिक गुजरते हैं, यानी यह क्षेत्र पूरी दुनिया के अपने हितों को प्राप्त करने में एक की रूट की भूमिका निभाता है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन की महत्ता पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इंडो पैसिफिक को ओपन, सेफ और सिक्योर रखना इंडियन नेवी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। साथियों, आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में प्रायः सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे अनक्लॉज कहकर पुकारते हैं, इसमें नेशंस के टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और गुड ऑर्डर एट सी, ये प्रिंसिपल को प्रतिपादित किया गया है। पर इन प्रिंसिपल्स की मनमानी व्याख्या एक रूल बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर की राह में बाधा उत्पन्न करती है। यानी कुछ नेशंस ऐसे हैं, नेशंस क्या हैं, मैं उन्हें इररेस्पॉन्सिबल नेशन कहना चाहूंगा, जो अपने नैरो पार्टीजन इंटरेस्ट के लिए हेगेमोनिक टेंडेंसी से इन इंटरनेशनल लॉज की आए दिन नई नई अनुचित व्याख्याएं करते रहते हैं। व्यवस्था की दृष्टि से अनक्लास 1982 के नियम बहुत ही अहम हैं, पर उनकी मनमानी व्याख्या करके उन्हें लगातार कमजोर किया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। भारत एक रेस्पॉन्सिबल मैरिटाइम स्टेक होल्डर के रूप में कंसेंसस बेस्ड प्रिंसिपल्स और पीसफुल, ओपन, रूल बेस्ड और स्टेबल मैरिटाइम ऑर्डर का सपोर्टर है। हम एक रूल बेस्ड नेविगेशन की फ्रीडम, फ्री ट्रेड और यूनिवर्सल वैल्यूज वाले इंडो पैसिफिक की कल्पना करते हैं, जिसमें सभी भागीदार देशों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। इस रूप का एक महत्वपूर्ण देश होने के कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा में हमारी नेवी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे खुशी है कि हमारी नेवी इस उत्तरदायित्व का भी भली भांति निर्वाह कर रही है।